कैसे हैं आप? आरएलडी और बीजेपी की नजदीकी ने राहुल गांधी की यात्रा के रूट को भी काफी प्रभावित किया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपनी यात्रा का समय घटा सकते हैं। खबरों की माने तो घटे हुए रूट में ज्यादातर जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा पहले से तय कार्यक्रम से कम एक सप्ताह पहले खत्म हो जाएगी। इससे पहले वे आसाम समेत उत्तर पूर्व के राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए झारखंड गए। छत्तीसगढ़ के बाद उनकी यात्रा उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। राहुल की यात्रा का न सिर्फ रूट कट किया गया है बल्कि यात्रा के दिनों को भी कम किया गया है। मसलन यात्रा अब 21 फरवरी को समाप्त हो जाएगी। राहुल गांधी फरवरी को चंदौली के रास्ते यूपी में न्याय यात्रा लेकर प्रवेश करेंगे। यानी पहले राहुल की यात्रा 20 मार्च को मुंबई में संपन्न होने वाली थी, लेकिन अब ये 10 से 14 मार्च को ही समाप्त हो जाएगी। इस बदलाव की मुख्य वजह जयंत चौधरी का बीजेपी से नज़दीकी बढ़ाना है, इसलिए राहुल ने आरएलडी के सभी रूटों से यात्रा का कट ऑफ कर दिया है। हालांकि आरएलडी अब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा बन सकती है, फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी विपक्षी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए में जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के सूत्रों की माने तो यूपी में यात्रा को घटाने की वजह आरएलडी से जुड़े सियासी घटनाक्रम नहीं है। एक नेता ने कहा, हम यात्रा को धीमा करना चाहते हैं ताकि राहुल गांधी को रास्ते में समूह से बातचीत करने का मौका मिले। इसके अलावा कहा जा रहा है कि अब तक यात्रा में शामिल नहीं हुई कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी यूपी चरण के दौरान यात्रा में शामिल हो सकती हैं। फिलहाल इसे लेकर भी आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। पहले क्या था राहुल की यात्रा का रूट? रूट बदलने से पहले राहुल की यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की सीट वाराणसी के साथ साथ रायबरेली, अमेठी, इलाहाबाद, फूलपुर और लखनऊ से गुजरने वाली थी। तय रास्ते में चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, भदोही, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर और आगरा शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के बाद आरएलडी और बीजेपी की नज़दीकी बढ़ गई है। खुद जयंत चौधरी बोल चुके हैं कि वे अब किस मुंह से इनकार करेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ उनकी नज़दीकी के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से राहुल गांधी को अपनी यात्रा का रूट शॉर्ट करना पड़ा। चंदौली की यात्रा के बाद राहुल रेस्ट करेंगे और अगले दिन 17 फरवरी को वाराणसी के गोलाघाट से यात्रा शुरू होगी। राहुल काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और फिर गोदौलिया में एक सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो भदोही पहुंचेंगे और यात्रा के बाद आराम करेंगे। 18 फरवरी को प्रयागराज, 19 फरवरी को प्रतापगढ़ के रामपुर और इसके बाद राहुल की यात्रा अमेठी पहुंचेगी, जहां वो एक सभा को संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इसके बाद वे झांसी से होते हुए मध्य प्रदेश में एंट्री लेंगे। रूट बदलने के बाद इन जिलों में यात्रा नहीं करेगी प्रवेश। राहुल की यात्रा में पहले पश्चिमी यूपी के शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़ और हाथरस में जाने का कार्यक्रम शामिल था। लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब हैं और इसलिए राहुल गांधी की यात्रा के समय में कटौती की जा रही है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द दिल्ली पहुंचना है। हम सब लोग भी उनका 16 तारीख को उत्तर प्रदेश की सीमा चंदौली में अभूतपूर्व स्वागत अभिनंदन करेंगे और निश्चित तौर से जबरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। उसी के मद्देनज़र आज एक कार्यक्रम काशी में पड़ारकर भवन में आयोजित है, जहाँ पर जोत से जोत जगाते चलो और इस न्याय यात्रा के समर्थन में उस प्रदीप कवि प्रदीप की जो रचनाएं हैं उसको आज यहाँ पर प्रस्तुत की जाएंगी। निश्चित तौर से जबरदस्त तरीके से एक माहौल आम आदमी के अंदर जो अत्याचार, अन्याय, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सैनिकों में जो अग्निवीर योजना, इन सब चीज़ों से जो आज परेशान हैं लोग, वो सब लोग आज इस यात्रा में जुड़ रहे हैं राहुल जी के साथ बनारस में।